हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका कोरोना क्लासेज में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने कल अल्फाबेट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था विपरीत अक्ष निकालना, अक्षों के नंबर याद करना और लेफ्ट राइट से उनकी स्थिति निकालना कि लेफ्ट राइट लेफ्ट से कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है, कौन से स्थान पे, राइट साइड से कौन से स्थान पे। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट अर्धांश हमारा ये है, ए से लेकर के एम तक, उसको उल्टा लिखना है और आगे को सेम का सेम रखना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेसिक से बताते हैं हम आपको। तो इसमें ये है, फर्स्ट अर्धांश को लिखना है तो हम यहाँ से आगे को भी सेम लिखना है। तो यहाँ से कर लेते हैं हम एन ओ, अलग पेन से ले लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, एन ओ पी क्यू आर एस डी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। ये तो हमने सेकंड पार्ट लिख लिया, यानी सेकंड अर्धांश लिख लिया सेम ऐसा वैसा। अब लिखा कहा गया हमें कि फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन के अंदर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम का मतलब है हमें एम से स्टार्ट करना है और ए तक लेके जाना है। तो यहां से विपरीत लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये हमने विपरीत लिख दिया। देखिए, यहां हमारे दो पार्ट हो गए, ये तो हमारा है फर्स्ट पार्ट और ये हमारा है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हमने उल्टा लिख दिया, नहीं विपरीत क्रम में लिख दिया, और जो सेकंड पार्ट था वो आपका ऐसा वैसा लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है लेफ्ट से, तो हमारा लेफ्ट तो यही रहेगा। लेफ्ट तो हमारा कौन सा है, ये ही है, और ये कौन सा है हमारा, राइट है। क्योंकि जैसे देखो, मैं यहां से खड़ा हूं तो मेरा ये राइट और ये लेफ्ट है, तो राइट ये हो गया आपका, लेफ्ट ये हो गया। तो हमें कहा गया लेफ्ट से सातवां अक्षर। तो देखिए, सातवां अक्षर हमारे पास कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा मिला, जी। ठीक है, अब ये कहा गया है कि सातवें अक्षर के दाएं, तो यहां से देखिए दाएं जाना है इधर और लेफ्ट आना है, ये लेफ्ट ये आपका राइट, तो राइट में जाना है आपके पास। ठीक है, तो हमें कहां जाना, कहां है राइट में, राइट में जाना है। तो राइट के अंदर जाएंगे तो हमें कौन से नंबर पे, सातवें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आंसर क्या मिला हमें, कौन सा लेटर मिला, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन। बस यही हमें पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये पूछ रहे, यहां दे दे हमें 17वें अक्षर के, क्वेश्चन नंबर अगला 7 की जगह 8 नंबर क्वेश्चन, यहां दे दे हमें बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा,
अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन यही है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत में हमारे पास लिखा हुआ है एज इट इज, ऐसा का ऐसा, ठीक है, बाकी हम चीजें कर लेते हैं इसमें। तो देखिए पहला को हमने विपरीत में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट को हमने लिखा हुआ है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। सेकंड पार्ट को हमने ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, अब इसमें करेंगे क्या कि बाएं से हमें 17 अंक से लेना है, तो यहां से 13 तो ये हो गए बिना काउंट किए हुए, हमें पता फर्स्ट पार्ट है यहां तक, तो 13 तो ये हो गए, 14 15 16 17, तो क्या मिल गया हमें क्यों, और वैसे भी डायरेक्ट भी हमारे पास ये तो ऐसा कैसा लिखा हुआ, तो 17 तो क्या मिलेगा, क्यों मिल गया 17वें नंबर पे। अब हमें क्या करना है, बाएं जाना है, बाएं सातवां अक्षर, तो बाएं सातवां अक्षर जाएंगे, तो देखो 1 2 3, सॉरी ये तो है, यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अब की बार देखो हमें क्या मिला विपरीत करने पे, डी अक्षर, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, जबकि ये सीधा लिखा हुआ होता तो हमें यहां से देखो 4 अक्षर मिले हैं, चौथा अक्षर क्या मिलता हमें, जे मिलता, जबकि इसको विपरीत लिखाते हुए ही क्वेश्चन में दे दिया कि इसको विपरीत में लिखना है, विपरीत में लिखा तो हमारा आंसर आया डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्वेश्चन है हमारा ये कि यहां पे दे दिया आपको द्वितीय, यहां पे दे दिया द्वितीय अर्धांश को, तो ये आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको खुद से घर से करना है, लेफ्ट बाएं से 17वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा है, नंबर सेम है, सिर्फ मैंने यहां लिखा है सिर्फ द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं मध्य पद निकालना है। यहां तक तो हमें पता लग गया था कि लेफ्ट राइट से कौन सा स्थान है उसका, अब मध्य में कौन सा लेटर आएगा बीच के अंदर, तो हमारे पास ये चीज मैं हटा रहा हूं, ये हमारे अब कोई काम नहीं है, नहीं आएंगे तो हम वापस भी लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में कोई आएगी तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन ये है अंग्रेजी वर्णमाला में, माला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, हेडिंग लगानी है आपको मध्य पद याद करना, मध्य पद याद करना, हेडिंग लगानी आपको मध्य पद ज्ञात करना। तो देखिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी होगी वापस से ताकि हम बेसिक से समझ सकें। ठीक है, तो ए बी मैं पूरा लिख लेता हूं, ये मैंने यहां से थोड़ा सा लिख लिया, वहां पे थोड़ा
कंजस्टेड सा हो गया है। तो देखिए हमारे पास दिया गया है, तो ये तो हमारा क्या हो गया लेफ्ट, और इस साइड से हमारा राइट। तो हमारे पास दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां अक्षर, तो यानी लेफ्ट साइड से हमें दसवां अक्षर आंख मीच के बताना कौन सा है, जे। ठीक है, फिर हमें ये दिया गया है कि दाएं से पंद्रवा अक्षर, तो देखिए यहां पे आपके पास 13 हुए, 14 और 15। ठीक है, 15वां अक्षर ये हो गया। के मध्य कौन सा अक्षर है, इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है आपका, तो कौन सा है के। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया के। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये दे दे, यहां 15 दे दिया, 15 की जगह हमारे पास दे दे 11वें अक्षर, तो 11वां अक्षर इस साइड से हमें 11वां अक्षर ढूंढना है। 11वां अक्षर ढूंढेंगे तो हमारे पास ये 13 थे, 13 के बाद 12 और ये 11, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर क्या मिला हमें ये। अब वैसे भी हम पता लगा सकते हैं कौन सा आएगा यहाँ से, क्योंकि 27 और हमें पी पता है कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो 27 माइनस 16, तो कौन सा आ गया 11वां नंबर। इस साइड से किस पे आया, पी पे आया, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 11 नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जे 10वां नंबर हमें मिल गया था लेफ्ट साइड से जे, और पी कौन सा मिला 11वां। अब इन दोनों के मध्य देखिए कौन कौन कितने अक्षर हो गए, टोटल 5। अब जबकि हमें तो ये पूछा गया मध्य अक्षर कौन सा है या कौन कौन से हैं, तो मध्य अक्षर यहाँ पे मुझे कौन सा है, तो कौन सा में तो आएगा आपका एम। क्वेश्चन हमारे पास पूछे कौन सा, तो हमारा आंसर आएगा एम, और कौन कौन से तो हमारे पास क्या आएगा KLMNO, ये आ जाएंगे। अब ये पूछ लेंगे कितने अक्षर हैं, अगला क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि मध्य में कितने कितने पूछेगा, तो कितना आएंगे 2 4 और 1 5, तो कितने अक्षर आएंगे 5 अक्षर, ऐसे भी पूछ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया, अब ये पूछ ले कि ठीक मध्य में, एक क्वेश्चन और इसी के अंदर पूछ सकता है, यहां तो मध्य में कौन सा अक्षर पूछा था मैंने, ये कहा ना कौन सा अक्षर इसके पहले लगा देंगे ठीक, ठीक मध्य, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तो ठीक मध्य में कौन सा है। देखिए 2 यहां छूट गए 2 यहां छूट गए, तो क्या आया एम, तो ठीक मध्य में भी कौन सा हो गया एम। या फिर पूछे कि कौन सा अक्षर है, तो भी क्या होगा हमारा आंसर एम होगा। ठीक है, ओके, अगला करते हैं क्वेश्चन, अगले टाइप का। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर तथा दाएं से 25वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर है, अभी मैंने बताया था ना अभी कितने अक्षर हैं, कौन कौन से हैं, ठीक मध्य में क्या है, कौन सा है, ये चीज है। तो यहाँ पे ये दिया गया थोड़ा सा ये डिफरेंट है, क्योंकि आपस में क्रॉस होंगे इसमें क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं वापस अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो देखिए हमने ये लिख लिए हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट होता है और इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा राइट होता है, यानी दायां साइड, और ये हमारी बाईं साइड। ठीक है, तो ठीक मध्य में, तो यहां से 19वां अक्षर लेफ्ट से है, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या है हमारा, लेफ्ट से 19वां अक्षर है हमारा एस, 19वां।
किस साइड से मैं यहां लिख रहा हूं एल, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सी साइड से है, लेफ्ट साइड से। और हमें राइट साइड से कौन सा अक्षर लेना था, राइट से 25वां, तो इस साइड से हमें टोटल 26 है, तो राइट से हमारा कौन सा मिला 25 है, बी, 25वां बी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य में कितने अक्षर है, मध्य में कितने अक्षर है, बस इनको काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने अक्षर आए, 16 अक्षर, यही हमारा आंसर हो गया 16 अक्षर। अब ये पूछ ले कि ठीक मध्य में कौन कौन से अक्षर हैं, तो ठीक मध्य में है तो 16 हो गए, तो ठीक मध्य में तो देखो एग्जैक्ट तो कोई अक्षर नहीं है, 17 अभी विषम होते तो यहाँ हम निकाल सकते थे, तो हमें ऑप्शन ही इस आधार पे मिलेंगे, या तो यहाँ विषम संख्याएं आएंगी या फिर यहाँ से कितने कितने घटा दें, 3 इधर से 3 इधर से फिर 3 इधर से और 3 इधर से बच गए कितने लेटर आपके, ये एक एक और घटा दो, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे मध्य में, ठीक मध्य में कौन कौन से, जे और के, दो अक्षर आ गए। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये हम लिख सकते हैं पूरे टोटल मिला करके। ठीक है, अब निकालते हैं अगली हेडिंग लगाओ आप, लेटर ऑफ पेयर्स, युग्म शब्द ज्ञात करना, लेटर ऑफ पेयर्स हेडिंग लगाओ, युग्म शब्द ज्ञात करना। ठीक है, तो युग्म शब्द ज्ञात करना, ये है हमारे पास अगला टॉपिक, तो लेटर ऑफ पेयर्स अक्षर युग्म शब्द ज्ञात करना। ठीक है, तो हम देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसी के थ्रू हम समझेंगे कि अक्षर युग्म कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है एक वर्ड दिया गया है बी ओ डी वाई, बॉडी वर्ड दिया गया है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें अक्षर युग्म ज्ञात करना है, तो अक्षर युग्म कैसे ज्ञात करते हैं वो हम बताते हैं। इसका मतलब ये होता है अक्षर युग्म का कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर होंगे बीच के अंदर जितने की यहाँ पे होंगे। तो देखिए हम पहले यहाँ से इसमें काउंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ से बी से स्टार्ट करते हैं, बी से अल्फाबेट स्टार्ट करेंगे, तो बी से अगला अल्फाबेट क्या आता है सी, तो बी सी डी, देखिए कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर बी और डी के मध्य भी एक होता है और यहाँ पे भी बी और डी के मध्य भी कितना अक्षर है, एक ही है, तो पहला पेयर हमें मिल गया बी और डी। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से यहां मिल गया, तो आगे ई नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इस लेटर का काम हो गया इस साइड से, तो लेफ्ट साइड से, तो ठीक है लेफ्ट साइड से हो गया। अब यहां से ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ पी क्यू कोई भी अक्षर मैच नहीं हो रहा छोड़ दो, डी ई कोई नहीं हो रहा इसको भी छोड़ दो। अब देखो यहां से राइट साइड लेफ्ट साइड से तो हमने काउंट कर लिया, अब करते हैं राइट साइड से, राइट साइड से करते हैं, तो देखो हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट्स हैं वो एक माला के रूप में होते हैं, तो ए से स्टार्ट किया और कहां जाकर के खत्म होता है जेड से, ठीक है वाई या बी। अब देखिए जेड के बाद में कौन सा, वाई के बाद में जेड, जेड के बाद में ए, ए के बाद में बी, ऐसे अक्षर आते हैं, तो यहां से भी वाई से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट, तो वाई जेड ए बी। तो देखिए वाई और बी के अंदर यहां पे भी देख लीजिए मैंने इतने लिखे हैं, वाई और बी के अंदर कितने अक्षर हैं दो हैं, और यहां पे भी वाई और बी के अंदर कितने अक्षर हैं दो हैं, तो दूसरा अक्षर युग्म क्या मिल गया वाई बी। ठीक है यहां तक तो मिल गए, अब आगे और चेक कर लेते हैं डी ई एफ क्या मिला, नहीं मिला तो इसको छोड़ दो, ओ पी नहीं मिला तो एक अक्षर है तो उसका तो अक्षर युग्म ज्ञात ही नहीं होगा, तो हमारे पास टोटल कितने अक्षर युग्म आए दो अक्षर युग्म आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि बॉडी शब्द के अंदर ठीक है कितने अक्षर युग्म होंगे। ठीक है, तो अक्षर युग्म कितने होंगे हम निकाल सकते हैं आराम से, कि जैसे हमने बताया उस आधार पे
ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या आता है वो लिख लीजिए आप, वो हम मैं लिखवा देता हूं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें लिखा शब्द, कोई भी शब्द दे देगा, शब्द ENGLISH, शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे, शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्ण माला में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यही चीज हमने यहां सीखी थी। तो बी और डी के अंदर भी देखो अंग्रेजी वर्णमाला है हमारी ए से लेकर के जेड तक के, तो उसमें बी और डी अक्षर आता है, तो उसके बीच में कितने लेटर आते हैं, एक लेटर आता है। तो यहाँ पे भी कितने लेटर है, बी और डी के बीच में एक लेटर, तो ये ही हमारा अक्षर युग्म ज्ञात करना है। तो जैसे इंग्लिश वर्ड दिया गया, एक एग्जांपल ये भी है, तो इससे सीख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या आएगा, कितने अक्षर युग्म आएंगे। तो इंग्लिश वर्ड दिया गया है, तो इंग्लिश वर्ड देखिए, इंग्लिश वर्ड लिखते हैं उसमें काउंट करते हैं, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश वर्ड हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ हम लेफ्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से पूरा कंप्लीट होते ही हम करेंगे राइट साइड से, क्योंकि दोनों साइड से हमें पेयर मिलाना जरूरी है। एक साइड से पेयर मिला दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पेयर मिलाना है, तो पहला लेटर क्या मिला हमें, ई, तो ई से अल्फाबेट स्टार्ट कीजिए, ई से अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, तो ई एफ जी, तो देखो यहाँ पे ई और जी के मध्य एफ लेटर आता है, तो यहाँ पे भी एक लेटर आ गया। हो सकता है वो लेटर दूसरा हो, जरूरी नहीं है कि वो एफ, यहाँ पे एफ आ रहा है या एन आ रहा है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में तो आपके पास क्या होता है, एफ होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, बट हमारे पास एक लेटर है तो एक ही लेटर होना चाहिए। अब वो लेटर कोई सा भी हो सकता है, एन हो, यहाँ पे एन है, तो देखो पहला पेयर हमारे पास मिल गया ई और जी, ठीक है, यहां मिल गया। अब देखिए वापस से यहां जी तक आ गया एच आई, तो देखो यहां इस ई और आई के मध्य कितने अक्षर है, तीन है, और एक्चुअल में भी हमारे पास कितने होते हैं, तीन ही होते हैं, क्योंकि ई एफ जी एच आई तीन ही है, तो दूसरा पेयर हमारे पास मिल गया ई और आई, आई जे के आगे नहीं मिल रहे तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहां से तो काम खत्म हो गया, ई से तो एन से स्टार्ट करते थे, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मैच हो रहा तो इसको छोड़ दो, आगे चलते हैं जी एच आई, तो देखो अगला मिल गया जी आई, क्योंकि जी और आई के मध्य भी कितने अक्षर होते हैं, एक होता है, यहाँ पे भी कितने हैं, एक ही है, तो थर्ड नंबर हमें पास पेयर मिल गया जी आई। तो आगे देखो जे के कुछ नहीं है तो कोई नहीं है, फिर देखिए एल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ जी तक का काम खत्म हो गया, एल एम एन ओ नहीं मिला तो छोड़ दो इसको, आई जे के नहीं मिला छोड़ दो। तो देखिए लेफ्ट साइड से हमारे पास तीन मिले, और राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, राइट से कितने मिलते हैं, तो एच से स्टार्ट किया, एच आई जे के एल एम एन नहीं मैच हुआ तो छोड़ दो, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मैच हुआ तो छोड़ दो इसको भी, आई जे के एल एम नहीं मैच हुआ इसको भी छोड़ दो, एल एम एन देखो ये मैच हो गया, तो एल और एन पेयर मिल गया। आगे एन से छोटी है तो यहां मिलेगा नहीं,
जी एच आई यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले हमारे पास? फोर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? फोर। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।